नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो जाता है, शिशु का आकार और वेट बढ़ जाता है। 8वां महीना पूरा होने तक शिशु का वेट लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। अब यह वजन हर किसी के शिशु का अलग अलग हो सकता है। 8वें महीने तक शिशु का लगभग पूरी तरह से विकास हो चुका होता है। इतना ही नहीं, अब उसकी दिनचर्या भी सेट होने लगती है। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, यह सब उसकी क्रियाएं चलती है। अब शिशु बाहर की आवाज़ों पर भी रिस्पॉन्स देता है। शिशु की आंखें, पलकें पूरी तरह से विकसित होती है। उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगती है। शिशु के लंग्स विकसित होते हैं, लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। इसीलिए 8वें महीने में डिलीवरी के संकेत यदि दिखते हैं तो आपके डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं, ताकि शिशु को डिलीवरी के बाद लंग संबंधी कोई तकलीफ ना हो। 8वें महीने में आपको यानी गर्भवती को सांस लेने में दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, ब्रेस्ट से पीले रंग का सिक्रिशन निकलने लगता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको फॉल्स लेबर पेन्स भी महसूस हो सकते हैं। बहुत बार कब्ज, बवासीर जैसी समस्याएं गर्भवती को होती है। शरीर में होने वाले बदलाव के कारण 8वें महीने में बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है। रात को नींद ना आना, पेट के आकार के बढ़ने के कारण स्ट्रेच मार्क्स का आना, पेट पर इचिंग होना और वेरिकोज वेन जैसी समस्याएं भी गर्भवती को हो सकती है 8वें महीने में। 8वें महीने के इस नाजुक समय में गर्भवती को खुद का ख्याल रखना है, ताकि शिशु का विकास अच्छे से होए और डिलीवरी के लिए भी कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए आपको खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन भरपूर करना है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और सांस संबंधी व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको करनी है, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करें। 8वें महीने में यदि किसी भी तरह की समस्या आपको होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। 8वें महीने में आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार अल्ट्रासाउंड कर सकती है, जिसमें शिशु की ग्रोथ, उसकी गतिविधियाँ, गर्भनाल, इसकी स्थिति देखी जा सकती है। यदि आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकती है। ध्यान रखें, आपको 8वें महीने में ट्रैवलिंग से बचना है। 8वें महीने में कॉन्टैक्ट आप रख सकती है, लेकिन यदि आपको ब्लीडिंग, प्लासेंटा प्रीवियर जैसी समस्याएँ हैं तो कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। माता के साथ साथ होने वाले पिता को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान गर्भवती के 8वें महीने में रखना है। और एक बात ध्यान रखें, यदि अभी 8वां महीना आपका शुरू है और आपने अभी तक भी गर्भ संस्कार नहीं किए हैं, तो आपके हाथ में अभी भी 1 मंथ यानी डिलीवरी तक का समय बाकी है। अभी भी आपसे शिशु अटैच है मेंटली एंड फिजिकली। आपके हाथ में यह अपॉर्चुनिटी अभी भी है। आपके शिशु को गर्भ में ही सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकती है। यह पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। गर्भ संस्कार कैसे करने हैं, क्या क्या करना है, इन सभी बातों को आप सीख सकती है। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। आप मुझे कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकती है। तो भावी पिता का क्या कर्तव्य है, आइए समझते हैं। 8वें महीने में आपको आपके पत्नी के साथ ऐसा एहसास उसे कराना है जैसे आप उसके साथ हैं हर समय। इससे उसका हौसला बढ़ेगा। हो सके तो घर के कामों में उसकी मदद करें, उसके साथ क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करें। डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए आप आपके पत्नी के साथ जा सकते हैं। भावी पिता के और क्या क्या कर्तव्य है, इस पर सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, उसे भी ज़रूर देखें। आप यदि आपके पत्नी के साथ है तो वह फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो सकेगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको 8वें महीने में रखना है और आपके प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।